हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग तन्मय क्रिएशंस। आई एम तन्मय बिश विद यू। लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो जैसा कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज 1.4 में आपके तीन क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन तीन क्वेश्चंस में थे सिर्फ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपका इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है आपके, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप चाहें तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम पहले समझनी पड़ेगी, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम 1.6 के उसमें लिखी हुई है। तो थ्योरम 1.6 क्या बताती है कि सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म का। हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म का होता है। अब अगर जो उसका जो डिनोमिनेटर है क्यू, जो उसका डिनोमिनेटर है क्यू, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करते हो और इसका फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आता है, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स में आता है, तो जो ये पी बाई क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा तो वो अदर केस में, इफ दिस इज नॉट डन देन दिस विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपने ये टर्म्स 9th में भी पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस थ्योरम को यूज करके हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 10 पार्ट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में नजर डालते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पहले आपको जो आपका डिनोमिनेटर है 3125, इसको पहले आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आप देखते हो कि जो 3125 है इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 5 के फॉर्म में, ठीक है, बिकॉज 5 की पावर 5 3125 होता है। आप इसे प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि जो ये डिनोमिनेटर है इसका, ये इसी फॉर्म में आया हुआ है। हालांकि इसमें 2 नहीं है, लेकिन आप अगर n को 0 मान लेते हो तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो इसे इंटू 2 की पावर 0 एज वेल, ठीक है। तो ये 2 और 5 के पावर्स के फैक्टर्स में है, इसलिए जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका वो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ऐसी अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में है 17 डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें भी अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर आपका 8, उसको आप लिख सकते हो 17 डिवाइडेड बाय 2 का क्यू। अब ये भी 2 के फैक्टर्स में है, 5 की पावर आप 0 मान सकते हो, तो इसका भी जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, इसलिए इसका एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा पिछले वाले की तरह। अब अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो वो है 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब अगर आप 1600 को फैक्टराइज करते हो तो आप क्या देखोगे? जैसे आप 1600 को सपोज फैक्टराइज करके आता है आपका 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पहले ऐसा नहीं करना है, पहले आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आनी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 320, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब आप 320 को कैसे लिख सकते हो? 320 कैन बी रिटन एज, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 320 260 280 240 220 210 2551। तो आप देख रहे हो कि हो सकता है 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है। अब इसको आप लिख लो फिर, वैसे
3 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5, तो ये भी 2 और 5 के पावर्स के फैक्टर में है, इसलिए इसका एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग ही होगा, दिस विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले आपको अपनी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में लेके आना है, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 29 डिवाइडेड बाय 343। अब ये लोएस्ट टर्म्स में फ्रैक्शन है, आप इसको किसी से कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और जो होता है 29 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब, बिकॉज 7 का क्यूब 343 होता है। अब आप देख सकते हो कि इस केस में जो आपका डिनोमिनेटर है ये 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5 की पावर m, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, लेकिन एडिशनली 7 है, इसलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको यही बात याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़ के और कोई भी नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसी केस में हम आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसमें उसने आपको खुद डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके दे रखा है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ये है ये 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 की फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सेवंथ में भी यही है, सेवंथ में आप देख सकते हो कि जो आपका बेस है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें एक चीज और आ गई है 2 और 5 को छोड़ के, जो है 7। अब क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर की पावर भी है, इसलिए जो इसका एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी 1.6 की, बिकॉज ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये उस फॉर्म में नहीं है या है, तो उसी के हिसाब से वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा आपको उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे करके इस फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं एक लास्ट पार्ट और कर देता हूं आपके लिए, जो है आपका 10th, जो है 77 डिवाइडेड बाय 210। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लेके आए कैंसिल करके, तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो 7 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 30 का क्या बनता है, 30 को अगर आप करते हो 6 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 बनता है। अब 2 तो आ गया, ठीक है, 5 भी आ गया, ठीक है, लेकिन ये 3 जो आ गया, इस 3 की वजह से ये पूरा एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपको स्टेप्स क्या याद रखना है, पहले आपको अपने फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अगर 2 और 5 आए हैं तो ठीक है टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आया, जैसे इसमें 3 आया है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसमें 7 आया था तो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और फिर आपको थ्योरम लिख देनी है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है इसलिए टर्मिनेटिंग है करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है और हम आगे दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे।